तो अगर आपको लगता है कि मैक्सबी से प्रोडक्ट मैंने जो पहली बार ऑर्डर किया था ना, तो मुझे लग रहा था कि दर क्योंकि मैं पहली बार प्रोडक्ट ये मैं कर रहा हूँ, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ, भाई सच बता रहा हूँ, इसको मैंने लगा के मैं खुद को ही, मतलब क्या है कि खुद को ही मैं सेटिस्फेक्शन हूँ कि मैंने कुछ आज किया हूँ यार। मुझे मुझे पहली बार लग रहा था कि ये मुझसे नहीं होगा, क्योंकि ये मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स मैंने सच बता रहा था कि मैं कहीं पर भी मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स मैंने सीखा नहीं, ये फोल्डर लगा, लेकिन मुझे इतना तो आइडिया मुझे यूट्यूब से मिल गया था कि कैसे लगाता है। लेकिन ये जो सबसे ज़रूरी होता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो साइड वाला जो ग्लू होता है ना, ये दुकानदार वाले ग्लू प्रॉपरली निकालता नहीं है। अगर प्रॉपरली ग्लू निकालता नहीं हो तो ये पकड़ कैसे बनेगी? और जो ये कहूँगा ही मैं, ये बार बार ये जो है ना, इसको कहते हैं कि डबल साइड टेप, अगर ये नहीं लगाएंगे तो अंदर में क्या होता है कि अंदर से इसको पकड़ने में थोड़ा तकलीफ होता है नहीं लगाने से। तो भाई साहब, आई लव माई वर्क, आई लव रियली आई लव इट। तो मैंने अपना मोबाइल सैमसंग J7 नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिस्प्ले फोल्डर पूरा यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि इस मोबाइल का डिस्प्ले फोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे देख सकते हो कि पूरी तरह से यहाँ पे जम हो गया है। तो अभी इसका करते हैं थोड़ा साइड में। तो सबसे पहले मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए अगर घर में करना चाहते हो, तो आपके लिए जो सामान सही है ना, सबसे पहले सही है 32 बिट का, यहाँ पे देख सकते हो ये है स्क्रू ड्राइवर, ये आपको सही है। दूसरा जो प्रोडक्ट होगा आपके रिपेयरिंग करने का, यहाँ पे देख सकते हो ये है ग्लू, यहाँ पे देख सकते हो ये है ग्लू, इसका प्राइस है 100 रुपीज़, लेकिन इसका कोड है E8000, ये भी सही है। ओके, उसके बाद तो यहाँ पे देख सकते हो ये है फेविक्विक, इसका इतना ज़रूरत नहीं फिर भी कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको हम अनबॉक्सिंग थोड़ा अच्छे से हम करेंगे। तो ये हो गया एक कतर, ये हो गया दो, उसके बाद बीच से भी इसको काटना होगा। आपको एक मैं चीज़ बता देता हूँ कि ये जो कतर है ना, इससे मैं पहली बार इस चीज़ को मैं भी काट रहा हूँ, कतर से पहली बार मैं काट रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है इससे काटने से। और इसकी धार और उसकी धार सेम ही है। समझने वाला व्यक्ति कमेंट करो, जो ना समझे वो भी कमेंट करो। वाह, तो यहाँ पे देख सकते हो कि मैक्स भी का जो पैकेजिंग है ना, बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही मतलब ओ होई 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 करके दिया है। तो ये इससे आप टाइम पास कर सकते हो, बिल्कुल ध्यान से खोलना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि डिस्प्ले फोल्डर का मामला है यार, कोई जल्दबाजी मत करना, बहुत ही ध्यान से आपको खोलना है, ये रबर बाद में काम आएगा। तो ये करते हैं थोड़ा साइड में। तो मेरे हाथ में है अभी ये है सैमसंग J7, जहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यूनिवर्सल ये समथिंग समथिंग यहाँ पे लिखा है, यूनिवर्सल OG यहाँ पे लिखा है। तो ये मैं अभी अपने मोबाइल में लगाऊंगा। देख सकते हो कि ये मुझे सबसे ये बड़ा लगा, सबसे सोचने में ये टेबल के ऊपर ये इसमें प्लास्टिक में आपके पास में हाथ के सामने रखने के लिए सकते हैं। ये 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 तो ये तो इसमें सही है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
आपको जो है कुछ भी देख लग रहा होगा। अभी ये लगाना होता है, क्योंकि ये लगाने से क्या होता है कि अगर ऐसे ऐसे करके सीधा करके यहाँ पे अगर लगाएंगे ना, तो क्या होगा कि ये डिस्प्ले जब क्या होगा कि ये उछल के बाहर आएगा नहीं, तो ये भी हम लगा लेते हैं। एजेस बाई एजेस मैंने यहाँ पे लगाया। मैं खुद यहाँ पे मैं तारीफ़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं दुकानदार से बहुत अच्छा यहाँ पे मैंने लगाया, क्योंकि भाई दुकानदार बोले क्या करता है कि ये जो स्ट्रिप होता है ना, ये जो स्ट्रिप होता है ना, जो कि डिस्प्ले को बैलेंस रखने में बहुत ही मदद कर करता है, कि ये डबल साइडेड टेप दुकानदार वाले नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने लगाया, मैंने फर्स्ट टाइम लगाया। लेकिन मैं दावा करता हूँ कि कोई यहाँ पे मैंने जो मेरे यहाँ पे लोकल मार्केट में ये स्ट्रिप नहीं लगाता है। आपको ऐसा लगाना चाहिए, इसका प्राइस है सिर्फ 100 रुपीज़। आप घर में आके भी लगा सकते हो, क्योंकि अगर ये नहीं लगाते हो ना, क्या होगा कि डिस्प्ले एक बार मतलब क्या होता है कि पकड़ उतना मतलब अंदर से वो पकड़ नहीं मिलता है। यही नहीं लगाने से अंदर से, मैंने पहले सोचा कि मैं फेविक्विक से लगाऊं, लेकिन ये फेविक्विक से लगाने से आप गलती मत कीजिए, क्योंकि फेविक्विक ज़्यादा फैलने से क्या होता है कि डिस्प्ले में अगर आ जाता है ना, तो भाई सारा सत्यानाश हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ से भी इसको अच्छा से जो आप लगाते हैं ना, ऐसे करते हैं कि दो उंगली को ऐसे एक साथ ऐसे हल्का से इसको प्रेस करना होता है। दो उंगली से यहाँ पे हल्का सा ऐसे प्रेस करके उसके बाद ऐसे इसको ऐसे लगाना पड़ता है, क्योंकि बस ये है प्रॉपर, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल यहाँ पे प्रेशर बनता है। ऐसे दुकानदार वाले शायद करता होगा या फिर नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये जो रबर है ना, ये मैक्सवी से दिया है मैंने। ये दो साइड रबर दे दिया और ये दे दिया, अभी फ़ोन करेंगे ऑन। बहुत बहुत खुश लग रहा हूँ यार, बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको करने में। मतलब जीवन में पहली बार मैंने मैक्सवी से, यहाँ पे देख सकते हो कि ये है मैक्सवी से प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मैंने बाय किया 799 रुपीज़ में मैंने परचेस किया। और ये जो फोल्डर है ना हमारे यहाँ पे मार्केट में 1500 रुपीज़ पड़ता है। ये जो फोल्डर है ना यहाँ पे देख सकते हो, ये है पुराना फोल्डर, इसको मैंने रिप्लेस करके यहाँ पे मैंने लगाया। खुद लगाने में जो संतुष्टि मिलता है ना यार, मुझे बहुत ही, यहाँ पे मैं ये लगा के मैं बहुत ही खुश हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ये डिस्प्ले अभी प्रॉपर यहाँ पे काम कर रहा है, इसके अंदर टेम्पर वगैरह है, तो इसको मैंने और जो यहाँ पे OG लिखा था है ना, तो ये अभी अभी है। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है यार,
ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मैंने कुछ किया। तो सबसे पहले मैंने जो यहाँ पे जो मैंने किया ना, तो आप देख सकते हो ये डबल साइड टेप की वजह से मुझे ये इसको यूज़ करने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। कुछ यहाँ पे कुछ गाना वाना सुन लेते हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे देख सकते हो, कुछ लोग को लगता होगा कि ये मैंने यहाँ पे जो मैंने लगा है ना, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैंने यहाँ पे जो अभी क्लियर नहीं हो रहा। बहुत भाई बहुत बढ़िया डिस्प्ले है भाई। आप मैक्स भी से आप प्रोडक्ट आप अगर खरीदने के लिए सोच रहे हो ना लगाए, लेकिन क्या होता है कि घर में अगर आप ये चश्मा भी आ गया, चश्मा पहन के बात करते हैं। आई लव इट। पास के लिए प्रभु का नाम, जय श्री राम।